नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। गोवंश के पूजा और उनके प्रति आभार जताने का गोवर्धन पूजा का पर्व होता है, और आपने देखा कि कल धूमधाम से बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ गौ पूजा की गई। और हो भी क्यों ना, ये गोवंश सभ्यता के विकास काल से ही हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार रहे हैं। गायों के दूध और इनके दूसरे उत्पाद हमारे शरीर का पोषण करते रहे हैं, तो गोबर गौमूत्र से बनी खाद हमारी खेती को समृद्ध करती रही है। ट्रैक्टर और मशीनों के प्रयोग के पहले बैल तो हमारी खेती के धुरी हुआ करते ही थे। जुताई, गहाई और फसल की ढुलाई सब उसी के सहारे रही है, लेकिन हमें पालने पोसने वाला यही गौवंश आज बेसहारा हो रहा है। वो कहीं शहर की सड़कों पर भूख से बिलबिलाता भटक रहा है, तो कहीं कसाई खानों से कट रहा है। गौ संरक्षण और संवर्धन की तमाम योजनाओं के बाद भी आखिर गौवंश की दुर्दशा क्यों? आज हम इसी मामले पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारें गौवंश के संरक्षण की कोशिशें नहीं करती। मोदी सरकार ने अपने बजट में गायों के लिए खासतौर पर अलग से आयोग बनाने की बात कही। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय कामधेनु योजना शुरू की। कामधेनु योजना पर 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया। इसके साथ ही राज्य सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2018 में गौ संवर्धन के मुद्दे का गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया, मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए स्वतंत्र गौ मंत्रालय बनाने की घोषणा की थी। शिवराज सरकार ने आगर मालवा के सुसनेर में देश का पहला गौ अभ्यारण भी शुरू किया, तो कमलनाथ सरकार ने सत्ता में आते ही हर पंचायत में गौशाला खोलने की महत्वाकांक्षी स्कीम शुरू की। लेकिन गौवंश की दुर्दशा ये बताती है कि गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के ये तमाम प्रयास नाकाफी हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। तो आंकड़ों पर भी नजर डालिए। मध्य प्रदेश में लोगों में गाय पालने की रुचि कम होती जा रही है, जबकि पड़ोस के ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में गायों की संख्या में इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार की पशु गणना की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है कि मध्य प्रदेश में गाय का स्थान भैंस और बकरियां लेती जा रही हैं। पशुओं की गणना हर 7 साल में होती है। 2012 के बाद 2019 में ये गणना हुई, जिसमें ये खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश में 2012 में 1,96,00,000 गाय थी, जो 2019 में घट गई और 1,87,00,000 गाय हो गई, यानी सीधा सीधा 9,00,000 गायों का अंतर आया है। प्रदेश में 4.42% गायों की संख्या में कमी आई है। वहीं राजस्थान में 2012 में 1,33,00,000 गायें थीं, जो 2019 में बढ़कर 1,39,00,000 हो गई। राजस्थान में 4.41% की वृद्धि दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में 2012 में 98,00,000 गायें थीं, जो 2019 में बढ़ी और 1,00,00,000 हो गई। छत्तीसगढ़ में गायों की तादाद में 1.63% का इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश में गायों के प्रति रुचि घट रही है, तो बकरी और भैंस पालने में उनकी रुचि बढ़ भी रही है। प्रदेश में बकरी और भैंस की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। बकरियों की संख्या में 38.07% का इजाफा हुआ, जबकि भैंसों की संख्या में 25.88% की वृद्धि दर्ज की गई। देश के बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा वृद्धि मध्य प्रदेश में हुई है। 2012 में भैंसों की संख्या 82,00,000 थी, 2019 में 1,00,00,000 पर पहुंच गई। प्रदेश में 2012 में बकरियों की संख्या 80,00,000 थी, जो 2019 में बढ़कर 1,10,00,000 हो गई। प्रदेश में गायों के प्रति लोगों के घटते रुझान के पीछे कुछ मुख्य कारण भी सामने आए। गायों में दुग्ध उत्पादक क्षमता का कम होना, उसके ही साथ उसके दूध का उचित मूल्य नहीं मिलना, इसके बछड़े का भी कोई उपयोग नहीं होता। लोगों को लगने लगा कि गाय पालना घाटे का सौदा है, और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में गायों की संख्या कम हो रही है। आयोग के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। शिव चौबे जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी जी बहन, प्रणाम, बताइए। शिव चौबे जी, गायों को लेकर हम बात कर रहे हैं। कल सभी ने गाय पूजा की, गोवर्धन पूजा की, लेकिन आज जब बात कीजिए तो क्या वो गाय पूजा वाकई आप लोग कर रहे थे, सभी लोग कर रहे थे? क्योंकि जो संख्या है गायों की वो बताती है कि गाय को माता तो आप कहते हैं, लेकिन इस माता से कितना प्रेम है आपको, क्योंकि संख्या तो कम हो रही है मध्य प्रदेश में लगातार, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, मैं, आप ठीक बोल रहे हैं, मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ, क्योंकि मैं गौ संवर्धन बोर्ड में अध्यक्ष रहा हूँ, उपाध्यक्ष रहा हूँ, सदस्य रहा हूँ जी। तो इस आधार पर मध्य प्रदेश में गोवंश को लेकर और गोवंश के संरक्षण को लेकर जी जो प्रयास जो है शिवराज जी के कार्यकाल में किए गए हैं, वो अद्भुत प्रयास थे।
अब जहाँ तक प्रश्न है गायों का और गोवंश संरक्षण का, तो उसके लिए मध्य प्रदेश में पहली बार इस बात का प्रयास किया गया था जी। कि यहाँ के अधिवेश, यहाँ का जो अधिनियम था गो संरक्षण अधिनियम, उसमें अमूलचूल परिवर्तन किया गया और जो गोवंश जो है काटने के लिए अवैध रूप से परिवहन होते थे, पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है कि उसको रोकने के लिए जो है राजसात की कार्रवाई का भी प्रावधान मध्य प्रदेश में हुआ है और 8 वर्ष की सजा का प्रावधान भी है। ये गो संरक्षण को लेकर हुआ है। मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड गौशालाएं मेरे कार्यकाल में 1105 थी, जिनको की अनुदान शासन के द्वारा दिया जाता था, जिनमें 550 गौशालाएं ऐसी थी जो क्रियाशील गौशालाएं थी कि गोवंश जो है उसके गोबर से जो है अनेक प्रकार के उत्पाद किए जा सकते हैं। जैसे हमने मेरे कार्यकाल में स्मृति चिन्ह तक में बनाने शुरू किए थे गोबर से, गोमूत्र से जो है छिड़काव का काम शुरू किया था कि खेती पर जो है गोमूत्र के छिड़काव से फसल तो अच्छी होती है, कीटनाशक भी खत्म होते हैं। ऐसे कई प्रकार के प्रयास जो है उस कार्यकाल में किए गए थे। लेकिन इन जो 15-16 महीनों में गोवंश को लेकर जो बात कही गई थी और जो उन्हें करना था उससे तो ज्यादा पहले ही मध्य प्रदेश में हो रहा था, उन्होंने नई बात ऐसी कुछ की नहीं और ना ही नए कोई प्रयोग किए हैं। तो वास्तव में गो संरक्षण को लेकर आज केवल प्रदेश में नहीं पूरे देश में आवश्यकता है कि गौ धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और धन की दृष्टि से भी आवश्यक है। इसको लेकर मध्य प्रदेश में निरंतर प्रयास है। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री जी गोपाष्टमी पर जो मध्य प्रदेश में गो अभ्यारण बना है, जो संसार का पहला गो अभ्यारण है, इसके पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो बनकर तैयार है। लगभग 4,500 गाय उसमें है, वो वहाँ पर पूजन करने भी जा रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी बातों से तो साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी की विचारधाराओं से आप प्रभावित हैं। अच्छी बात है, जो अच्छा काम करे उससे आप प्रभावित हो भी सकते हैं, या अपना अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि चलिए आप प्रभावित हैं या आप पसंद करते हैं कि वो जो काम करते हैं, तो ये आंकड़ा कम क्यों हो रहा है फिर? गायों के लिए शिवराज सरकार ने ये किया वो किया, पूरी सूची दे दी आपने हमारे दर्शकों को, तो संख्या क्यों कम हुई? सवाल ये उठता है ना, उसके पीछे बहने कारण है जी। पहले पूरी की पूरी खेती जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से लेकर गुजरात तक गोवंश के द्वारा ही होती थी, लेकिन जैसे जैसे मशीनरी का उपयोग कम अधिक हुआ, गोवंश की उपयोगिता कम होती गई और गोवंश की कम उपयोगिता होने के कारण लोगों का ध्यान भी इस तरफ से जो हटा है, इस कारण भी पूरे देश में गोवंश की संख्या कम हुई है। लेकिन अब जो है अनेक विचारधाराओं के हिसाब से, अनेक लोगों के हिसाब से गोवंश को लेकर केवल जो है बैल केवल खेती जोत सकता है ये नहीं, इसके अलावा भी उपयोगिता है, गाय के गोबर की, गोमूत्र की, गाय के गोवंश की आवश्यकता है, इसको लेकर भी तरह तरह की। तो आपके हिसाब से क्या प्रयास कम हो रहे हैं सरकार की तरफ से जो होने चाहिए, जिससे इस जो गायों की संख्या है उसको दुरुस्त किया जा सके? नहीं, पिछले समय में जो सरकारें रही उन्होंने गाय को लेकर, गाय के संरक्षण को लेकर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो है मोदी जी ने जो है आते ही जो है गो संरक्षण की बात शुरू की है और इसको लेकर जो है निरंतर प्रयासरत है। अगर आप केंद्र सरकार की योजनाएं भी देखेंगी तो गोवंश संरक्षण को लेकर गोवंश, तो वही तो चौबे जी आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। केंद्र सरकार की योजना अकेले मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान के लिए थोड़ी ना है, सभी राज्यों के लिए बराबर है ना। तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में संख्या बढ़ती है गायों की, मध्य प्रदेश में नहीं बढ़ती। मैं बहन आपको अगर आप अध्ययन करेंगी तुलनात्मक, निश्चित रूप से इन सालों में 5-6 सालों में जो काम जो गो संरक्षण को लिए हुए हैं, अगर पिछले समय में पिछले 20-30 साल पहले अगर इस प्रकार के प्रयास हुए होते तो गोवंश का जो है कमी बिल्कुल इस देश में नहीं होती। अब मूल सवाल यही कि मध्य प्रदेश में जो संख्या कम हुई है, एमपी की बात मैं कर रही हूँ, राजस्थान छत्तीसगढ़ लगे हुए राज्य हैं लेकिन इनमें संख्या बड़ी है गायों की और मध्य प्रदेश में कम हुई है, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, मशीनरी का दिन-दिन उपयोग जो बढ़ रहा है उससे गोवंश संरक्षण और संवर्धन को लेकर, खासतौर से क्या है कि गोवंश को संरक्षण और संवर्धन जो है किसान जो है सबसे बड़ी संख्या में करने वाला है। गांव में गो संरक्षण होता है, संवर्धन होता है, वही गोज, लेकिन जब वहाँ दिनों दिन मशीनरी का उपयोग हुआ तो लोगों ने इस तरफ से अपना ध्यान हटाया है। ठीक है,
और चलिए जो गायें बढ़नी चाहिए थी वो तो ठीक है, लेकिन घटी क्यों? जो थी उनको भी उपयोगी नहीं समझ रहे थे लोग जो पालन कर रहे थे उसके पीछे। मैं तो बहन स्वयं गांव का रहने वाला हूँ। हाँ। आज मैं लगातार देखता हूँ कि यहाँ से जब भी हम जाते हैं जी। तो लोग गायों को जो है जिस रूप में मानते थे आज उनके सोच का और चिंतन का थोड़ा सा दायरा बदल गया है। आज गाय को उपयोगिता की वस्तु इसलिए तक मानते हैं कि वो दूध देती रहे, इसके बाद उसको छोड़ देते हैं। और अवैध रूप से जो परिवहन हो रहा है उस पर पिछली सरकारों ने प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन वर्तमान में शिवराज जी की सरकार जब थी तो गोवंश को लेकर जो प्रतिबंध लगाया था उसको लेकर जो है निश्चित रूप से काम हुआ है। अगर ऐसे ही जो है कठोर नियम बनेंगे तो निश्चित रूप से गायों का संरक्षण हो सकेगा। चलिए एक छोटी सी टिप्पणी और कीजिएगा, कमलनाथ के कार्यकाल और शिवराज के कार्यकाल जो गायों को लेकर उन्होंने काम किया है, क्योंकि जब कमलनाथ जी सरकार में आए तो उन्होंने भी हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनाने की बात कही। आपको क्या लगता है वो गौशालाएं बनी और शिवराज जी ने भी कई दावे किए, और कितनी गौशालाएं उनके कार्यकाल में? दोनों में मूलतः फर्क ये है कि हमने दावे नहीं किए, हमने जमीन पर काम किया। कमलनाथ सरकार ने दावे किए लेकिन उनके ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जो गांवों में गोचर भूमि रहती थी उस गोचर भूमि को झुग्गी बनाने के लिए लोगों को पट्टे दे दिए गए। तो जब गांव में गोचर भूमि रहेगी नहीं तो गाय खड़ी कहाँ होगी, ये बेसिक फर्क है। और इन्होंने जो ढिंढोरा पीटा कि हम गांव गांव में गौशाला बनाएंगे, तो गौशाला क्या कोई आसमान में थोड़ी बनाओगे, गौशाला जमीन पर बनेगी, जमीन आपने रहने ही नहीं दी, ये बेसिकली फर्क है। ठीक है, शुक्रिया शिव चौबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं, काफी समय उन्होंने इस संस्था के लिए दिया है। तो कैसे गौवंश घटा है ये देखिए, 2007 में 2,19,15,438 और 2012 में 1,96,02,336, 5 साल में 1,89,51,982 गौवंश कम हुए हैं, ये 5 सालों का आंकड़ा था। और गौवंश कैसे बचे हैं, 2013-14 में सालाना 608 रुपये अनुदान दिया जाने लगा, जिससे प्रतिदिन के हिसाब से 1.66 रुपये हर गाय को जाते थे। हालांकि बहुत कम था, जिसको लेकर भी राजनीति हुई और कांग्रेस ने आरोप प्रत्यारोप भी बहुत किए। 2014-15 में सालाना 635 रुपये अनुदान दिया गया प्रतिदिन 1.73 रुपये के हिसाब से, और 2015 में अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक गाय को 1 रुपए में प्रतिदिन के हिसाब से पाला जा सकता है क्या? 1.73 रुपये, चलिए 2 रुपए मान लीजिए, लेकिन क्या 2 रुपए में एक गाय प्रतिदिन चारा खाती होगी 2 रुपए का? यानी इतना कम बजट गायों के लिए। चलिए 2015-16 में जो बजट आया वो कम हो गया, उसके हिसाब से 551 रुपए अनुदान मिला, प्रतिदिन के हिसाब से 1.61 रुपये मिलने लगा। और 16-17 में जो आंकड़े आए 577, 17-18 में 779, जिसके हिसाब से 1.86 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 2017-18 में गायों को मिलने लगा, जो कि बहुत ही कम, जिसको लेकर खुद ग्वालों ने भी कहा कि इतने में कुछ ना हो पाएगा। और जो घटती संख्या है गायों की, ये बताती है कि गौ भक्ति भले ही सर पर सवार हो लेकिन मध्य प्रदेश में गायों की संख्या कम हो रही है। ये बताती है कि गोवर्धन पूजा के दिन ही अगर गायों को याद करना है तो गायों को बचाने की जो सोच है या जो एजेंडा है वो फिलहाल धरातल पर तो नहीं है। तो सरकारें गौवंश के संरक्षण की कोशिश तो कर रही हैं, मोदी सरकार ने अपने बजट में गायों के लिए अलग से आयोग बनाने की बात भी कही। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय कामधेनु योजना शुरू की, कामधेनु योजना पर 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारम्भ किया, राज्य सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2018 में गौ संवर्धन के मुद्दे को गंभीरता से लिया, स्वतंत्र गौ मंत्रालय बनाने की घोषणा की। शिवराज सरकार ने आगरमालवा के सुसनेर में देश का पहला गौ अभ्यारण भी शुरू किया। तो कमलनाथ सरकार ने सत्ता में आते ही हर ग्राम पंचायत ने गौशाला खोलने की महत्वाकांक्षी स्कीम शुरू की। मध्य प्रदेश में लोगों में गाय पालने की रुचि कम हो रही है, ये भी एक कारण है गायों की संख्या का कम होना, क्योंकि पालने वाले कम होंगे तो संख्या भी कम होती चली जाएगी दिन पर दिन। तो मध्य प्रदेश में
गायों के प्रति रुचि घट रही है तो बकरी और भैंस पालने में रुचि बढ़ रही है। प्रदेश में बकरी और भैंस की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। बकरियों की संख्या में 38.07% का इजाफा जबकि भैंसों की संख्या में 25.88% की वृद्धि दर्ज की गई। चलिए और भी समझने की कोशिश करते हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज हेड हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। गौवंश क्यों घट रहा है इसको लेकर हम और भी आगे बातचीत करेंगे। रत्नाकर जी कैसे देखते हैं जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि गोवर्धन पूजा भले ही कितनी कीजिए गायों को पालने की कोशिश या फिर उनकी पूजा कितनी भी कर लीजिए लेकिन आंकड़े जो है वो ये बताते हैं कि सिर्फ एक ही दिन की होती है ये पूजा। निश्चित रूप से और गाय एक्चुअली सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति है पारुल जी की एक पॉलिटिकल इशू बन चुकी है। उसके पालन में किसी की रुचि नहीं है लेकिन हाँ ये बताने में लोगों का बहुत ज्यादा रुचि रहता है कि हम गाय के खैरख्वाह हैं हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। लेकिन जो राजनीतिक स्तर पर भी जो प्रयास होने चाहिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो सरकारें चला रही उनके स्तर पर भी जो प्रयास होने चाहिए वो क्यों गो आयोग बना देने से उस आयोग का किसी को चेयरमैन बना देने से इन सारी चीजों से पूरे नहीं हो पाएंगे। जब तक आप शुरुआत से इन चीजों को नहीं देखने की कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अवेलेबल है गोवंश को बचाने के लिए उसकी जो दूध देने की जो क्षमता है गाय की उसको विकसित करने के लिए आपके पास कितने उपाय हैं गाय की नस्ल में सुधार के लिए आप कितने गंभीरता से काम कर रहे हैं इन सारी चीजों पर जब तक बहुत गंभीरता के साथ प्रयास नहीं होता रहेगा तब तक पारुल आप यही देखेंगे कि आने वाले सालों में भी हम गोवर्धन पूजा मनाएंगे और आने वाले समय में बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति ये दिख रही है कि गोवंश के गोवर्धन पूजन के नाम तो हो सकता है प्रतीकात्मक रूप से काम चलाना पड़े क्योंकि गोवंश जिस तेजी से घट रहा है और सबसे खास बात थी कि उसे बचाने के जिस हिसाब से नाकाफी इंतजाम किए जा रहे हैं जो कंसर्न उसका नहीं रहता। कमलनाथ सरकार ने इस दिशा में काम शुरू किया था बीजेपी अपने आप को गाय की पार्टी कहती है तो गाय के वध पर निधन गाय के वध पर रोक लगाने की मोदी सरकार ने जब बात की तो उसका विरोध किया गया तो उसे हिंदुइज्म से जोड़ा गया था। इस सारे फैक्टर्स के बीच में कोई भी इस चीज को नहीं देखता है कि गाय एक रिलीजियस सिंबल नहीं है गाय एक मानवीय आवश्यकता का तत्व है उसके दूध सहित उसके शरीर के हर हिस्से से मानव का जो है मदद हो सकती है लेकिन चूंकि एक पॉलिटिसाइज कर दिया गया है गाय को बचाने की कोशिश को हिंदुइज्म मान दिया जाता है। और जो खास बात है कि जो हिंदुइज्म के नाम से जो पार्टीज आती हैं अगर वो इतनी संजीदा रहती हैं गाय के लिए तो मध्य प्रदेश के दुर्भाग्यजनक फिगर जो 2 करोड़ का बहुत ही ज्यादा बड़ा फिगर है भले ही 7 साल का आंकड़ा हो ये लेकिन जब आपके बकरियां बढ़ गई हैं आपके यहाँ भेड़ें बढ़ गई हैं आपके बाकी जब चौपाल जब बढ़ते चले जा रहे हैं तो गाय 7 करोड़ तक अगर 2 करोड़ तक अगर ये आंकड़ा पहुंच जाए 7 साल का तो निश्चित रूप से बताता है कि सरकारी स्तर पर इस दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किए गए और हमें मुझे लगता है कि और भी ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थितियां देखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जब आई तब से ही गोवंश कैसे सुरक्षित रहे उनको कैसे संरक्षण किया जा सके इस पर जोर दिया गया। फिर कामधेनु योजना यानी योजनाएं संचालित हों शिवराज जी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उनके कार्यकाल में तो उन्होंने अलग गौ अभ्यारण्य भी बनाया अलग से मंत्रालय बनाने की बात की लेकिन बावजूद इसके अगर हम अभी हाल ही में जो प्रयास छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखें तो वहां पर रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में प्रयासों को और भी करना चाहिए या कुछ बदलाव होने चाहिए तब जाकर गायों को संरक्षण करने की जो मंशा है वो पूरी हो पाएगी जिसको शायद गैर जरूरी या फिर अनदेखा कर रही है सरकारें। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो आपने कहा बहुत सही बात आपने कही कि सबसे पहले जो सारा प्रोसेस है गाय के संरक्षण का उसमें सुधार की जरूरत है उसमें देखा जाना है कि अब तक क्या लकीनाज रहे हैं जिनके चलते इतना बड़ा फेलियर हमारे सामने आया है। सारे देश में अगर ये स्थिति होती तो मान लेते कि गायों की स्थिति खराब है। आपने भी 2 राज्यों का उदाहरण दिया राजस्थान से एक और राज्य का तो जब वो राज्य इस दिशा में काम कर सकते हैं मध्य प्रदेश को तो चाहिए कि आप एक 15 साल आपने यहाँ पर हुकूमत की एक बार फिर से आपको 15 महीने के बाद शासन मिला है आप गाय को बचाने वाली पार्टी कहे जाते हैं और उमा भारती ने अपने कार्यकाल में गाय को लेकर कई चीजें कही थी तो फिर आपको तो चाहिए कि भले ही उन राज्यों में आपके विरोधी पार्टी की सरकार हो लेकिन आप उन्हें एक रोल मॉडल बनाए उन्हें का आदर्श राज्य बनाए अपने लिए। बिल्कुल यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उन राज्यों में कि किस तरीके से गोवंश को बढ़ाया जा रहा है उसके बाद यहाँ पर उन योजनाओं को लागू किया जाए। अभी तो दुर्भाग्य सबसे बड़ा आप ये देखिए कि गायों की मौत का अकाल मौत का बहुत बड़ा कारण माना जाता है पॉलीथिन खा लेती है वो जी पॉलीथिन पे प्रतिबंध जब तक पूरे प्रदेश में आप ठीक से नहीं लगा पाए हो
सरकारी कागजों में प्रतिबंध है, लेकिन आप देखिए कोई बैगर ऐसा नहीं है, पॉलिथिन आपको नहीं मिलती सभी जगह आराम से, आप कहीं पर भी चले जाइए, बड़ी से बड़ी दुकानों तक में, शॉपिंग मॉल तक में जब पन्नी अवेलेबल है, फिर आप गाय को बचाने की कल्पना कहाँ से कर सकते हैं। दिखावा महज समझ आता है ये। एक और प्रश्न रत्नाकर जी, महत्वपूर्ण, अभी शिव चौबे जी भी जुड़े, उन्होंने भी बताया कि पहले खेती किसानी के उपयोग में मशीनें नहीं होती थी, बैलों का उपयोग होता था, बछड़ों का भी, बछड़ों की भी जरूरत उतनी महसूस नहीं होती, और पालने वाले जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट इसलिए भी कम हो गया है क्योंकि अगर दूध की पैदावार बढ़ती है तो कहाँ उसकी मार्केटिंग होगी। कई सारी ऐसी चीजें जो ये बताती हैं कि गाय को पालने के पीछे भी अगर किसी किसी रीजन से भी अगर पाल रहे हो तो वो रीजन भी हल नहीं हो पा रहा है, चाहे अगर आप दूध के लिए पाल रहे हो या फिर बछड़े के लिए पाल रहे हो, तो वो भी रीजन अब लोगों के पास खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमने हमारे संसाधन जो है इनके कल्टीवेशन का हम प्रॉपर एक तरीका नहीं निकालते हैं। आखिर अगर दूध के मामले में यही स्थिति तो क्यों नौबत आती कि आए दिन हम देखते हैं कि किसान अपने दुग्ध उत्पाद जो सड़क पर बिखेर देता है उस समय आता है, क्योंकि उसका उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो जब आप फसल के लिए एक MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऐसी कोई बात आप तय कर सकते हैं, तो आपको कम से कम ये देखना चाहिए कि जो लोग आज भी गौवंश के पालन में लगे हुए हैं, जो उसके दूध से अपना व्यवसाय करते हैं, गाय के जो यूरिन रहता है उससे भी कई किस्म की दवाइयां बनती हैं, जो जब उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, उन लोगों को संरक्षण देने के लिए आप कोई स्कीम चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, आपने गौशालाएं बना दी, आपने गाय के लिए आयोग बना दिए, आपने तमाम किस्म की चीजें कर ली, लेकिन उसके बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो। आपने जो पॉइंट उठाया है कि खेतों में मशीन का इस्तेमाल निश्चित रूप से हर तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा है, बावजूद उसके ऐसा तो हुआ नहीं कि मजदूरों को देश में खत्म कर दिया गया हो। बिल्कुल, उन्हें मनरेगा के तहत मजदूरी दी जा रही है, मनरेगा के तहत तय किया जाता है कि साल में इतने दिन का आपको रोजगार देना ही देना होगा। तो उसी तरीके की चिंता यहाँ पर भी करने की जरूरत है। गाय अगर आपको वोट नहीं दे सकती तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसके नाम पर वोट ने नोट कमाए और उसके बाद। अभी एक बात शिव चौबे जी ने और रखी कि दिग्विजय सिंह शासन काल में जो चरने के लिए जमीन दी जाती थी वो जमीन उन्होंने किसी भी एजेंडा के तहत रहा हो, वो अपने वोट बैंक को साधने की कवायद हो उनकी, वो उन्होंने झुग्गियों के लिए बांट दी और वो जमीन इन गायों के लिए ही चरने के लिए रखी गई थी। अब जब गायों के रहने की जगह नहीं है, उनके चरने की जगह नहीं है, तो पालने वाला भला जिसके पास खुद ही छोटी सी झुग्गी हो वो वहां रहता हो तो वो कैसे पालेगा। और इसी अगर आप देखें तो बड़े बड़े लोग भी गायों को पालते हैं लेकिन सबसे ज्यादा पालने वाले लोग ग्रामीण होते हैं, झुग्गियों में रहने वाले लोग होते हैं। जी निश्चित रूप से आपने बहुत सही बात कही कि वो जमीन जो थी जहाँ पर गाय चर रखती थी आपने उसको उठाकर वोट की राजनीति की खातिर आपने उसको झुग्गियों में तब्दील कर दिया। उसके बाद आपने चारे की कोई अतिरिक्त व्यवस्था की, आपने कुछ तरीके का इंतजाम किया कि वहाँ पर इस तरीके की सामुदायिक जगह बना दी जाए जहाँ गाँव भर का चारा रखा जाए गाय आकर कर सके, आपने उस दिशा में कोई भी काम नहीं किया। और उसकी वजह ये रही क्योंकि आपको लगा कि गाय पालने वाले क्योंकि घर से चले जा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के व्यवसाय जुड़े लोग घर से चले आ रहे हैं, आपको लगे बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, जबकि झुग्गियां तो जो है या मशरूमिंग लाइक एनीथिंग पूरे देश में कुकुर मुक्ति की तरह उठती चली जा रही है, वो बहुत बड़ा वोट बैंक बन जाता है। वो हमने देखा अर्जुन सिंह ने झुग्गी वासियों को स्थायी पट्टे दे दिए थे, बहुत बड़ा पॉलिटिकल उनका इसके पीछे एजेंडा था। आपने दिग्विजय सिंह शासन काल की बात की जब चरने वाली जमीन को लेकर हटाकर उनसे छीन कर झुग्गी वालों को दे दिया गया। तो इस तरीके के जब आप पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और उसमें आपकी जन कल्याण की कोई योजना नहीं रहेगी, आपकी गाय जैसे पशु के कल्याण की आपके पास कोई योजना नहीं रहेगी। और आप इसमें एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गाय को बचाने के स्थानीय स्तर पर जनता के स्तर पर भी वैसे प्रयास नहीं हो रहे हैं। आज आप देख लीजिए भोपाल शहर में नगर निगम एक भी आवारा कुत्ते को मार नहीं सकती है, उसके लिए इतने उसके मानवाधिकार के पक्ष में खड़े हो गए, लेकिन गाय के लिए जनता की तरफ से उस तरीके की बात सामने नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल, कि हमें गाय को बचाना है, राजनीतिक पार्टी चिंता करती है, राजनीतिक पार्टी ही कुछ काम भी नहीं करती उस दिशा में, सारा का सारा मामला ही हो रहा है। सारुल जी जो ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखद फिगर 2 करोड़ का सामने आ रहा है इनके गायब हो जाने का, बिल्कुल बहुत चिंता की बात है, दिशा में काम किया जाना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए गायों की स्थिति आज जो देश में है, अगर आंकड़ों पर नजर डालिए तो भले ही काफी लंबा समय होता है जब आंकड़े कैलकुलेट होते हैं, संख्या देखी जाती है, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या है गायों की घटती, और ये बताती है कि काफ़ी दुर्दशा हो रही है देश में गायों की, और ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश में जब आंकड़े कम आए हैं, संख्या कम आई है गायों की। अब सवाल ये कि क्यों घट रहा है गौवंश, जब सरकारें
पुरजोर कोशिशें कर रही हैं बचाने की। मध्य प्रदेश सरकार गौ मंत्रालय बनाने की बात, गौ अभ्यारण शुरू हुआ, लेकिन बावजूद इसके गायों को संरक्षित नहीं किया जा रहा। दूसरे ही राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान देख लीजिए तो यहाँ संख्या बढ़ गई, वो कैसे मुमकिन हो पाया। केंद्र की मोदी सरकार भी इस मुद्दे पर जोर देती है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी सिर्फ राजनीतिक एजेंडा, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा गौ माता बन पाई है। कल आपने पूजा की, लेकिन आज ये आंकड़े आपके सामने आए होंगे, तो जैसा कि रत्नाकर जी भी कह रहे थे अगले कुछ सालों के बाद आप ढूंढेंगे कि गाय माता को पूजना है, कहाँ है वो गाय माता, तो आज ही से सोचना होगा कि कहाँ कमी आ रही है। गौ संरक्षण की जो प्रयास हैं उनमें किस तरह के बदलाव हों जिसके बाद जो संख्या है वो गायों की बढ़ सके। तो दावे कई, बातें कई, लेकिन धरातल पर सब खोखले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।